सरकार की ओर से लगातार भले ही साफ सफाई और सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन राजधानी रांची की जमीनी हकीकत कुछ और है। रांची के वार्ड 31 और 32 के हैसल मोहल्ला में कचरे का अंबार लगा है। यहाँ के मसना स्थल पर भी कचरे के ढेर साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग परेशान हैं और नगर निगम की कार्यशैली से नाराज हैं। मसना स्थल पर फैली गंदगी इसका प्रमाण है कि नगर निगम कितनी संजीदगी से साफ सफाई में लगा है। वार्ड 31 और 32 के अंतर्गत आने वाला मोहल्ला हैसल मोहल्ला की यह तस्वीर है, और जहाँ कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये मसना स्थल है। मसना स्थल पर कितनी सारी गंदगियाँ देखने को मिल रही है, यह कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नगर निगम लाख दावे करती है कि स्वच्छता अभियान पर ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वार्डों की जो ये गंदगी की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह मसना स्थल की तस्वीर है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे हम, बात करेंगे कि आखिर ये मसना स्थल आप लोगों का इतना गंदा क्यों आखिर पसरा होगा। अगर बरसात का दिन है और बरसात के दिन में अगर इतनी गंदगी मिलती है, बारिश होती है, तो सड़कों पर पानी जमा हो जाती है, और वैसे में आप लोग कैसे आखिर मसना स्थल पर इतनी गंदगी में मसना करते हैं? हम लोग मसना स्थल है हम लोग का, ये जो हम लोग का धर्म स्थल है, फिर भी यहाँ पब्लिक को समझाते समझाते हम थक गए हैं। सरकार भी हमारी बात सुन नहीं रही है। जब भी बात आती है तो यही बोलती है कि मसना स्थल, हम लोग तो आवेदन डाल देते हैं, फिर भी मसना का कोई सुनवाई नहीं होता, साफ सफाई भी नहीं होता उतना। वार्ड 31 32 में जो भी है यहाँ का पार्षद या जो भी हैं, वो लोग इस विषय में कोई चर्चा नहीं आती है, और क्या बोलें हम। कैसे करते हैं इतनी गंदगी में, इतने सारे सुअर हैं, स्थानीय लोगों को भी परेशानी होती होगी यहाँ रहने में, कई सारी बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है इतना गंदगी तो। हम यहाँ तो मसना स्थल हम लोग का है, लेकिन हम लोग यहाँ कचरा तो करते नहीं हैं, यहाँ अगल बगल का ही लोग कचरा करते हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ कहीं एक जगह में कोई डस्टबिन भी नहीं डालते हैं कि वो उठा के ले जाएं। कोई डस्टबिन भी नहीं है। और कितने दिन पे उठता है यहाँ से कचरा का, इसका कोई गिनती नहीं है, कब उठा का उसका कोई गिनती नहीं है, उसका कोई गिनती नहीं है। खाली यहाँ आते हैं, साफ करके चल जाते हैं। साफ करने के बाद यहाँ सुअर भी हैं, जितना सुअर पालते हैं उन लोग को भी आगे नगर निगम आके हिंस दे, चाहे सुअर वर उठा के ले जाए यहाँ से, हम तो यही कहेंगे। और उसके बाद मतलब कोई पालते नहीं है सुअर, बस ऐसे पड़ा रहता है, जिसका है वो पाल रहे हैं, लेकिन यहाँ काहे पालेंगे, वो अपना जगह में पालना चाहिए उनको। सुअर रखे हैं तो अपना जगह में रखिए, अपना जगह में रखिए, ताकि हमारा मसना स्थल साफ रहे। अब यहाँ लवारिस जैसा छोड़ दीजिएगा, किसी का भी है, हम तो नहीं बोलेंगे मेरा ही है, जिसका भी है, अब अपना जगह में रखिए ना, अपना जब सुअर पाले हैं तो अपना जगह में रखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजित उरांव हुआ। क्या है आप? हम नौ टोला का अध्यक्ष हैं। बताइए कितना दिक्कत हो जाता है आप लोगों को बारिश होती है? बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है सो पूरा पिसका मोड़ का पानी जो है सो इसी नाले से बहती है, और रोड ऊंचा और नाला नीचा होने के कारण यहाँ जितना कचरा और पानी होता है सारा इसके अंदर में जम जाता है, और जम जाने के कारण क्या होता है कि जितने सुअर कुत्ते बिलाई जितने आ जाते हैं वो इसको गंदा का और फैलाते जाते हैं। और नगर निगम को हमने कई बार लिखित दिया है, दे चुका है, उसका रिसीव भी हमारे पास है, लेकिन नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं करता है। और इस सुअर पालने वाले लोग इतना मतलब गंदगी फैला रही है, सुअर बीमारी होने का इतना चांस है, पूरा गर्मी के दिन में बहुत महकता है, आने जाने वाला बच्चा लोग को सुअर दौड़ा देता है, रोड एक्सीडेंट होने का बात आ जाता है। नगर निगम पूरी तरह यहाँ फेल है, और हम लोग ग्रामीण होने के नाते पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं लेने के कारण लेना नहीं चाहते, इसलिए उतना कड़ाई से बोलते नहीं है। तो सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके। सप्लाई पानी जो आता है सरकार के नगर निगम की तरफ से, पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन में नाली का पानी कनेक्ट हो जाता है, और घर के अंदर जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है, उससे दोनों मिक्स हो जाता है। साफ किए थे हम लोग, अच्छा हम लोग बराबर इसको साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, नगर निगम देती है, लेकिन पानी इतना जमा हो जाता है, रोड घुटने भर पानी जमा हो जाता है, जिसे इस रोड से हाँ पीने के पानी तो प्रभावित होता ही है, प्लस हम लोग आना जाना हम लोग को रोड से मुश्किल हो जाता है, हम लोग आ नहीं सकते हैं।
इसलिए सरकार से निवेदन है कि इसको बाउंड्री करा के इसको यहाँ के आदिवासी मसना स्थल को सरकार का प्रावधान सुनने में आया है कि सरकार का प्रावधान भी है कि इसको बाउंड्री करा के यहाँ प्लांटेशन कर दिया जाता तो इस पूरे मोहल्ले के बीच का जो स्थान है वो काफ़ी खूबसूरत हो जाता और पर्यावरण भी यहाँ काफ़ी सुधार जाता। तो उजला जो मकान आप देख रहे हैं ये उजला मकान आप ही का है? हाँ, यहाँ बगल में ही हम लोग रहते हैं और ये खाली नगर निगम की बात नहीं है, यहाँ से अभी जो COVID-19 अभी आज 1.5 साल होने जा रहा है यहीं से जनरेट करता है और ये COVID-19 के चक्कर में यहाँ से हमारे घर के ठीक ये सामने से 2 आदमी मर गए, कितने लोग हताहत हो गए। यहाँ के कम 500 मीटर के रेडियस में हर घर से एक आदमी COVID-19 का बीमार हुआ और ये कचरा देखने से स्पष्ट लगता है कि बीमारी का मेन कारण ये कोरोना वगैरह यहीं से जनरेट हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और इसमें म्यूनिसपैलिटी के बारे तो आप सुन चुके हैं हमारे भाइयों से, वो लोग कभी साफ़ सफाई तो करते नहीं हैं और अगर करते भी हैं तो पता नहीं कब आते हैं कब चले जाते हैं, कहाँ ब्लीचिंग पाउडर कहाँ उसका वो जो करना का है वो सब कुछ नहीं। बगल में यहाँ पर कचरा दुकान, मीट मछली का दुकान, रोड में सारा कुछ बहा के सब सड़ा रहे हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। हम लोग तो इधर पीछे साइड में है, सामने चौक है, नायक चौक, नायक चौक के अगल बगल सारा कुछ इतना कचरा है कि उसका जवाब नहीं है, उसको सफा करने का कहीं कोई आदमी नहीं है। लोग बीमार पड़ रहे हैं तो अपनी स्थिति से बीमार पड़ रहे हैं। हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक होने के नाते यहाँ के सांसद अभी नवनिर्वाचित जो हैं संजय सेठ जी, वो श्रीमान को हम कई बार लिखित रूप से पोस्ट किए हैं मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप में उनका कोई आदमी है वो लिख के दिया है जवाब कि इस पर कार्रवाई करा, हम लोग देख लिए हैं आपका कंप्लेंट सुन लिए हैं, इसके आगे कोई अभी तक सुनने को नहीं मिला। सुबोध कांत सहाय जी बहुत बड़ा मंत्री रहे हुए हैं इधर के और उनके भी हम लोग हैं, उनको भी मैसेज किए, उनके OSD वगैरह को मैसेज किए, सारा सबको किए, कोई सुनवाई नहीं। हमने यहाँ तक उन सब लोगों को बड़े बड़े सांसद जो हैं और कोई काम इस पर नहीं किया जा रहा। ये बताइए कि आज अगर रांची में आधे घंटे का बारिश होता है तो सड़कों पर पानी जमा हो जाती है नाले की, क्या कारण मानते कि ये कचरा नाला में फंसने के कारण या पानी जमा होता है, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं कहीं होने के कारण जो ये गंदगी के कारण रोड सड़कों पर पानी जमा होते हैं? देखिए कौशल जी, सर्वप्रथम तो लगातार को बहुत धन्यवाद कि जन समस्याओं का महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या को लेकर आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इसको सरकार और रांची नगर निगम तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपके और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। रांची के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा कभी भी किसी भी तरह का सूद नहीं लिया जाता है और ऐसा है कि 1996 से लगातार वो विधायक यहाँ के जनता ने अपना भरपूर मत देकर उनको बनाया है, वो विधायक बनने के बाद बिल्कुल सो जाते हैं यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ कि किसी भी नाला का कहीं से भी सफाई सुव्यवस्थित नहीं है, आप जब जाकर इसी नाला को आप जांच कर लेंगे कहीं से सुव्यवस्थित सफाई, उसका कारण है कि रोड पर पानी आधा घंटा का होता नहीं है कि पूरा कचरा रोड पर आ जाता है, कचरा लोगों के घर में घुस जाता है। और आज जिस आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को आप सरकार के समक्ष पहुँचाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और नगर आयुक्त के समक्ष पहुँचाना आपके माध्यम से जाएगा, हमारी बात को जन समस्याओं की बात को जाएगा। पिछले कोरोना काल में मई 2020 में हमने उनको लिखित रूप से व्हाट्सअप किया था जो व्हाट्सअप आज तक उन्होंने नहीं देखा और उस समय इस यहाँ पर कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो परिवार कोरोना से ग्रसित नहीं था और गंभीर ग्रसित नहीं था, कोई ध्यान देने का नाम नहीं किया और कभी भी किसी भी तरह का आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब कचरा निकलेगा तो सैकड़ों ट्रक कचरा निकलेगा और आदिवासियों का बहुत शुद्ध और सही जगह है माना जाता है कि उनकी अंतिम क्रिया यहाँ पर किया जाता है और अंतिम क्रिया के जगह की ऐसी स्थिति है कि शुगर यहाँ पर लेट रहा है, लूट रहा है। और सबसे बड़ी जो कौशल जी बात है कि यहाँ पर हजारों लोगों को प्रतिदिन गुजरना पड़ता है, सैकड़ों मोहल्ला इस केंद्र बिंदु से गुजरता है और सभी लोग बहुत जघन रूप से प्रभावित हैं। आपके आने के बाद देखिए मोहल्ले के ये हैं, सभी लोग इसी मोहल्ले के लोग हैं, सभी अभी सुने हैं तो आप शर्मा भी अभी आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके माध्यम से मुझे विश्वास नहीं है कि सरकार और निगम नगर निगम सफाई करेगी, मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी
आप पर मुझे विश्वास है कि आप इस बात को मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ की जो सरकारें हैं, वर्तमान सरकार भी, मैं उस पर भी कहना चाहता हूँ कि बांध में जब छेदा होता है उसी समय उस छेद को बंद कर दिया जाए तो बांध नहीं टूटेगी। उस पर लोग ध्यान नहीं देते। जब पूरी तरह से आक्रामक संक्रामक कुव्यवस्था हो जाता है, लोग संक्रमण से ग्रसित हो जाते हैं, तब ध्यान लोग देते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर बहुत गंभीर बीमारी का सामना सभी लोगों को करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेवार रांची नगर निगम होगा। तो ये बड़ा सवाल है रांची नगर निगम पर, कई सारे जो आप कह सकते हैं हमारे पीछे आप देखिए किस तरह से इस वक्त भी कई सारे सुअर जो है मसना स्थल पर हैं और हमारे ठीक पीछे देखिए कितने सारे घर हैं जो कि यहाँ पर अगल बगल में रहते हैं और बिल्कुल मेन रोड है हमारे पीछे जो रोड सड़कों पर गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ये स्थानीय लोग सभी जो हैं कहीं ना कहीं इस मसना स्थल पर इतनी गंदगी को लेकर कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और नगर निगम से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम सफाई पर ध्यान देनी चाहिए, चूँकि आदिवासियों का यह मसना स्थल है और आदिवासियों मसना स्थल आखिर कैसे करेंगे इतनी गंदगी में, ये भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक सवाल है। तो मैं उम्मीद करूँगा अपने खबर के माध्यम से कि जल्द से जल्द नगर निगम यहाँ पर साफ़ सफाई, कम से कम जो स्वच्छता अभियान की बात कही जाती है बार बार केंद्र की सरकार मोदी सरकार से कही जाती है कि स्वच्छता सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं राजधानी रांची में ऐसे भी मोहल्ले हैं जहां पे गंदगियों के अंबार पड़े हुए हैं, लेकिन मसना स्थल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यह जो है तस्वीर कहीं ना कहीं यह नगर निगम की पोल जरूर खोल रही है कि सफाई में कहीं ना कहीं और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है कि हम लोग का जीना मुहाल है, कोरोना जैसी बीमारी में कहीं ना कहीं कई सारे लोग बीमार पड़े, यहाँ पर मौत भी हुई कोरोना से, जैसा कि बताया कि कोरोना से मौत हुई है, तो वैसे में कहीं ना कहीं ये गंदगी जो है मौत को ज़रूर आमंत्रण देता है। और हमारे ठीक पीछे जो आप घर देख रहे हैं, यह मेन रोड सड़कों से होकर जो लोग गुजरते हैं उनको कहीं ना कहीं इसकी गंदगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि आधे घंटे की बारिश में अब रांची के सड़कों पर पानी पूरा भर जाता। हमने पहले भी दिखाई अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह से मोहल्ले के सड़कों पे, मेन रोड के सड़कों पर अब जो है पानी बरसात अगर होता है आधे घंटे का तो घुटने तक पानी जमा हो जाती है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि गंदगी इतने ज़्यादा नाले में जमा है कि उसके कारण जल जो है ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं है, पानी बह नहीं पाती है, उसके कारण सड़कों पर अब जो है कहीं ना कहीं पानी जमा होता है जिसके कारण आने जाने में लोगों को समस्या होती है। हमारे इस खबर के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि नगर निगम जल्द हरकत ले और संज्ञान लेकर इस पर सफाई को लेकर बेहतर से बेहतर कोई कदम उठाए। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।